उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में अवैध तमंचा फैक्ट्री जब्त। 3 शातिर अवैध शस्त्र तस्कर पुलिस ने किए गिरफ्तार। भारी मात्रा में बने अधबने शस्त्र भी पुलिस ने किए बरामद। साथ ही शस्त्र बनाने वाले उपकरण भी पुलिस ने बरामद किए। थाना शाहपुर का है ये मामला। आप सभी लोग जानते हैं, अवगत भी हैं कि उत्तर प्रदेश में DGP सर के आदेश के आलोक में जनपद मुजफ्फरनगर में SS सर के नेतृत्व में अपराधियों और उनके द्वारा किए गए अपराधी कृत्य के विरुद्ध अभियान चल रहा है। इसी के परिप्रेक्ष्य में SO शाहपुर श्री धर्मेंद्र सिंह को सूचना मिली थी जेरे मुखबिर के कुछ बदमाश हरसोली में वकील अहमद के मकान पर अवैध तमंचे निर्माण कर रहे हैं। इस पर पुलिस SO साहब ने टीम गठित किया और गांव के रवाना हुए। जैसे ही गांव में वकील अहमद घर के पास पहुंचे, बदमाशों ने फायर करना शुरू कर दिया। लेकिन पुलिस टीम ने बहुत ही समझदारी का परिचय देते हुए बिना किसी जनहानि के तीनों लोगों को मौके से गिरफ्तार किया। तीन लोगों को उनके पास से भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बरामद हुए। तो कितने तमंचे हुए, कितने बना हुए? 18 तमंचे हैं, 7 मस्कट हैं, 6 अधबने तमंचे हैं और भारी मात्रा में बने अधबने तमंची बनाने का सामान बरामद हुआ है। सर क्या आपराधिक इतिहास इनका? आपराधिक इतिहास इनका पहले दो मुकदमे इनके हैं। और भी जानकारी कर रहे हैं हम अन्य थानों से, अन्य जिलों से जानकारी कर रहे हैं, इसके बारे में जानकारी कर रहे हैं। सर कहाँ पे बना रहे हैं? भारी असला पकड़ा जा रहा है, काफ़ी कई दिन से जो है एक मुहिम छिड़ी हुई है। आखिर ये इतने तमंचे जाते कहाँ हैं, कहाँ ये इसकी हम जानकारी कर रहे हैं, विस्तार से जानकारी कर रहे हैं। इसमें सर बना कहाँ पर रहे थे? बनारी का ये जो बरामद हुए हैं, ये वकील अहमद के मकान है हरसोली में, वहीं से बरामद हुए हैं। और जानकारी कर रहे हैं इस बारे में, और इसके लिए SO धर्मेंद्र सिंह और उनकी टीम को बधाई, बहुत बहुत बधाई। इनाम की घोषणा SS साहब ने कर दी है, इनाम दिया जाएगा।